मौला के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे, मौला तेरा भला करेगा, दे दे। अरे अठन्नी दे के गया, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अंधे को कुछ दे दे बाबा, अंधे को कुछ दे दे बाबा। तू 100 रुपए देगा, ऊपर वाला तुझे 200 रुपए देगा। अबे एक से एक भिखारी आ रहे, लगता है ठियाई बदलना पड़ेगा। 1 रुपया वो भी खोटा। अंधे को कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अंधे को कुछ दे दे बाबा, मालिक तेरा भला करेगा, ऊपर वाला तेरा भला करेगा बाबा, ऊपर वाला तेरा भला करेगा बाबा, ऊपर वाला तेरा भला करेगा बाबा, अंधे को कुछ दे दे बाबा। वो कैसा आदमी, इसके पास तो बहुत पैसे है। बेटा शेख चिल्ली, आज शाम का काम बन जाएगा और सज्जे भी नहीं लड़ने की है। तो ठीक है, अल्लाह तेरा भला करेगा बाबा, मौला के नाम पे दे दे, अल्लाह तेरा भला करेगा बाबा, मौला के नाम पे दे दे, मालिक तेरा भला करेगा बाबा। मुल्ला जी 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो मुल्ला जी। वही से कैसे बता रहे मुल्ला जी, हूँ इसका मतलब अंधा नहीं है साला, बेवकूफ बना रहा पब्लिक का। ठीक है, इसका मैं बनाता हूँ साले का बेवकूफ, तेरा भला करेगा। हाँ तो भाई जान, हाँ अगर मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूँ तो तुम्हारा भला हो जाएगा। हाँ मालिक भला हो जाएगा, मुल्ला जी भला हो जाएगा, 1 रुपया दे दो। ठीक है, मेरी दुआ तुम्हें लगेगी, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। ठीक है, तो ये ले 1 रुपया ले, ये ले 1 रुपया ले, ये ले। ठीक है, भला कर। हैं? ओ मुल्ला जी, ओ कच्चा वाले मुल्ला जी, ओ मुल्ला जी कहाँ को भाग रहा मेरे मेहनती का माल। ओ मुल्ला जी मेरे पैसे दे रहे, अभी तक कच्चा निकाल लूंगा। अबे मुल्ला जी तू तो मुझसे बड़ा भिखारी दिख रहा है, झाड़ झाड़ के पैसे निकाल लेता हूँ। ओबे मुल्ला जी तुम तो कुछ लड़ना जानते भी हो। मेरी बारी, मुल्ला जी मेरे पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, मेरे पैसे दे दो मुल्ला जी, पैसे दो पैसे, मेहनत की कमाई है मेरी, ऐसे ही नहीं तुम मांग के देखो भीख मेरे साथ बैठ के, पता चल जाएगा तुम्हें। उबे इसकी तो दाढ़ी भी नकली है साला, बेरुपिया पब्लिक का पागल बना रहा साले, मंदिर के सामने बैठ के साले जिंदा जला दूंगा, जा चला जा, रेल बना दूंगा, शिकल बिगाड़ दूंगा साले की, बस साले भीख मांगने का शौक था, सचमुच के आके फुड़वा ले, भीख मांग ले साला, अट्टा कट्टा का भीख मांग ले, शर्म नहीं आती तुझे, इन बालों की शर्म कर, सफेदी आ रही तेरे। मेरे कहाँ सफेद बाल आ रहे हैं, देखे मुल्ला जी अभी तो मेरे सफेदी आई भी ना है। ठीक है, तो ये तो ले अपने बाल और ये ले अपने पैसे, अरे इधर ला गाल, मुल्ला जी बदल दूंगा। अच्छा मुल्ला जी मेरे ठेक तुम ही ले लो। अरे मुल्ला जी अब क्यों मार रहे हो, अरे मुल्ला जी अब तो ठिया भी दे दिया। एक बात सुन ले, अगर आज के बाद तू मुझे भीख मांगता दिखाई देगा ना तो साले जिंदा जला दूंगा, जा चला जा, दफन कर दूंगा साले। आया गाँव के धोरे भी मत मिल जाइए, अरे साले आपका चपरा से खबर लेऊंगा। आया साला 3 रुपया, मैं सोच रहा था मेरी झाड़ी बन जाएगी, 3 रुपया साला मारपीट करवा दिया, साले ने बेवकूफ बना दिया, कब मगर ना झाड़ी बनी। ओबे इतने ढोंगी, ओबे सारे ये कहाँ बैठेंगे जाके, अरे मंदिर के चारों तरफ ये लिफ्ट रहे साले, मगर ये धंधे नहीं है वो सारा, वो अंधे का ढोंग बैठ के बनाते हैं साले, अंधे का ढोंग बैठ के करते हैं। हाँ साले तो सही चल रहे हैं, साले की टांग भी ठीक है, ओबे ये सही है साले, ढोंग ही निकल जाओ जाओ साला, सेक्सली से चितोगे नहीं। यही है शेख चिल्ली का मकान, आज इसकी खैर नहीं। शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, कौन है का मकान सुबह सुबह नींद हराम कर दी, बस हालो जब तुम्हें पता मैं घर पर नहीं हूँ तो आवाज देना जरूरी है। उबे चौधरी साहब, आप चौधरी साहब अंदर आओ चौधरी साहब अंदर आओ। बैठने नहीं आया हूँ मैं, तेरी साली विदा हो गई, ये लो पर्चा, 25,000 रुपए देने हैं तूने। 25,000? हाँ 25,000 रुपए। मेरे पता आना भी नहीं है,
हाँ ऐसा करना, अगले हफ्ते ले जाना, अगले हफ्ते ले जाना। ठीक है अगले हफ्ते आऊंगा। अगले हफ्ते का ब्याज अलग से लगेगा? हाँ हाँ दे दूंगा ब्याज लगा दे दूंगा। जा निकल ले, ले मारे से एक्चुअली बेईमान मान रहा। निकल ले आया यहाँ, ब्याज अलग से लगेगा है, हराम की कमाई है, शेख चिल्ली को बेईमान मान रहा। काले ना सुबह सुबह नींद खराब कर दी। जब कह दे एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते का टाइम दे दे, पता नहीं लोग क्यों पीछे पड़े रहे साले। शेख जी 25,000 रुपए का कर्ज कर लिया तुमने, कहाँ से देंगे हम पैसा? जो तू चिंता मत कर, मैं सब दे दूंगा। या अल्लाह रहम कर, 25,000 रुपए का कर्ज, रहम कर मेरे शेखों पर। मैं तो जिंदा क्यों मान रही है, जब तक मैं जिंदा हूँ दे दूंगा पैसे। ओए कोई घर में है या ना? शेख जी अब क्या होगा? शेख जी उबा कोई नहीं है घर में। तो शेख की आवाज है, बेवकूफ बना रहा है, अंदर चल के देखता हूँ। शिव जी बोल रहा तुमने मना कर दिया, हम लोग घर पे नहीं है। पकड़ा। मणिराम जी आप? हाँ तो क्या तेरा बाप? मणिराम जी आज कैसा रास्ता भूल गए? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप कभी मार घर पे आए नहीं हो, आते ही नहीं हो। ओए शेख चली तूने क्या कहा था? तूने कहा था कि शादी के अगले दिन पैसा भेज दूंगा। ओए अगला दिन आ गया, हिसाब करो 50,000 का, और हाँ 5,000 रुपए नगद ब्याज के लूंगा, भूलियो नहीं। चौधरी साहब हाँ अगले हफ्ते ले लेना। ए? जब देखो अगले हफ्ते। ओए ऐसा नहीं चलेगा, अब अगले हफ्ते दे देना शेख, नहीं तो मणिराम बाल की खाल निकालना जाने हैं। अगले हफ्ते दे देंगे, निकल ले। ओए निकल ले। ओए एक बात बता, ओए मैं पैसा मांगने आया हूं या तू पैसा लेने वाला? एक हफ्ते का टाइम नहीं दिया? एक हफ्ते का टाइम दिया, एक हफ्ते के बाद लीजिए। निकल ले, निकल जा। नहीं निकलेगा, निकल ले, शिकार में बिगाड़ दूंगा शेख चिल्ली को। पागल मान रहा, पागल है शेख चिल्ली। सारा जब देखूं दे दूंगा सबके। शेख जी 50 इसके भी हैं। सच्चे और क्या करता मैं, ले आया था मैं, निकाह भी तो करना था। दे दूंगा सब, एक हफ्ते का टाइम तो मिल गया। चल तो अंदर चल, रोटी खाते हैं। ओबा कहीं ऐसी ताल नहीं लग रही जो पैसे नोट पे नोट आ जा, उनके कर्जा तार दूं। अकीरा उबे तो पंडित जी के दौर से बहुत भीड़ लग रही है, नोट पर नोट कमा रहा, और ये तो ज्ञानी आदमी है, मैं कैसे करूं? उबे ऐसा मैं भी देख दूंगा। ठीक है मैं अपनी ढोंग लीला रचाता हूँ, चल निकल ले। अब जब मैं पंडित जी को देख रहा था कदे बैठ के, तो उसके बाद तो बहुत भीड़ लग रही थी, और मेरे पास आके कोई नहीं मरा, मैं आया नहीं कोई केस दिखाने वाला, मैं तो बस यही ढोंगरी लग रहा हूँ बैठ के। या खुदा दे दे कोई नेक बंदा। ये ढोंग लीला रचाए कौन बैठा है? एक चिल्ली हस्तरेखा वाले कुछ बात हसम नहीं। जरूर दाल में कुछ काला है, अपना हाथ दिखाता हूँ। शेख जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बैठ 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 जा। ऐसा परेशान सा फिर है? शेख जी कारोबार सा ना चल रहा मेरा। कारोबार सा नहीं चल रहा? ला हाथ दिखा। हाँ ओबे ओबे तेरे पे तो बहुत बड़े जिंद का साया, तू तो मरने वाला। मरने वाला हूँ? कुछ करो शेख जी कुछ करो। मैं कुछ करने के लिए तो बैठे हैं, कुछ करो इसलिए तो बैठा हूँ मैं। देखा ऐसा कर, 101 रुपया दे तेरा काट देता हूँ। क्या बैठा रहा मल, तू कटवाने नहीं आया, दुख तेरा दुख काट देता हूँ। एक मिनट शेख जी, 101 ना है। 101 नहीं है? हाँ मैंने लगता कुछ ज्यादा मांग ली दिखे। ठीक है चल 101 नहीं है तो ऐसा कर 51 रुपए दे। शेख जी मेरे पे तो 51 भी ना है। क्या 51 भी नहीं है? चल 25 रुपए निकाल, दुख कटवा। 25 देखता हूँ इस जेब में होंगे।
शेख जी मेरे पे तो 25 भी ना है। क्या मैं बिल्कुल कंगला फिराया घर से आया दुख कटवाने को, 25 भी नहीं है? ऐसा कर चल 11 रुपए निकाल, 11 निकाल निकाल चल, वो नहीं करवा। शेख जी मुझ पे 11 भी ना है। क्या 11 भी नहीं है? मैं 11 भी नहीं है, मैं वैसी पैंट सेंट पहले फिर है। एक बात सुन कर, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एक निकाल चल, वो नहीं करवा। हाँ ये सही है, वो नहीं करवा, वो नहीं तो करवा कब वक्त। ये सही है, ये सही है। ये क्या है? मोबाइल। ये क्या? ये तो कागज है। ये पीछे होंगे, ये पर्स है, इसमें होंगे, इसमें। एक रुपया निकालना, इतना जुगाड़ निकाल दिए। शेख जी मेरे पे तो एक भी ना है। एक रुपया भी नहीं है, ऐसा कर उठ ले ऐसा जान से मार देगा। नहीं बस बस मैं बोनी खराब कर दी, जब तेरे पे एक रुपया भी नहीं है तो तेरा जिंद कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। निकल जा, निकल जा, जा निकल जा। देख लो, देख बाबी, शेख चिल्ली हस्तरेखा वाले अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानिए। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, चलो पूछता हूं। ये एक बात बताओ मुल्ला जी, बूझा मेरी एक बात समझ में नहीं आई। ये हाथ वात देखना तो पंडितों का काम होता है, पर आप पगले। एक बात सुन, पंडित कहते हैं ज्ञानी आदमी को, जो मतलब ज्ञानी पढ़े लिखे होते हैं उन्हें कहते हैं पंडित। कोई भी पंडित हो सकता, कोई भी ज्ञानी हो सकता। ओहो मतलब आप हाथ देखते हैं? हाँ, तुझे दिखा ना, दिखा। निकाल लीजिए फिर मेरा हाथ देखिए। 10 रुपए निकाल, उधार नहीं है। अच्छा हाँ। पहले लूंगा जब देखूंगा। ठीक है ला, लाते ये लो। ठीक है दिखा, कौन सा हाथ दिखाना। इसमें मेरे बहुत खुचाई मचती है, खुचाई मचती है। ओ बेटे की जान, ओ बे बात तेरी रेखा बता रही, तू धनवान होने वाला, पैसे वाला होने वाला। तू पैसे वाला? मैं? हाँ, तुझे कहीं से पैसे पाएंगे? अरे बाप रे, ये लो दूसरे भी। ठीक है ये देखिए। हाँ। इस हाथ में मेरे खुचाई यहाँ से लेके यहाँ तक मचती है। ओ बे यहाँ से यहाँ तक खुचाई लगती है। मैं तुझे बहुत बड़ा दौलत वाला बनने वाला, बहुत बड़ी दौलत मिलने वाली तुझे। मैं? ओए 1-10 रुपए और लो। बेटा लाओ, मेरी टांग में ना यहाँ से लेके और यहाँ तक खुजा मचती है। यहाँ तक खुजली। ओ बेटे एक बात सुन ले, मैं इंडिया की यात्रा करने वाला हूँ बेटा। इंडिया की? इंडिया की? हाँ हाँ चल ले। बाप रे, और ये लो 10 रुपए। 10 रुपए और ये देखो अब क्या दिखा में मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक खुजली होती है। यहाँ से यहाँ तक खुजाई लगती है। ओ बेटे, बेटे की जान, तू जो है नहीं बेटा, तू विदेश की यात्रा करने वाला, विदेश की, उसमें जाएगा उसे रूच चले। वो अबे नहीं, वो ऊपर चले जहाज। अच्छा अच्छा, जो हो जाता है। हाँ जहाज में जाने में ऊपर। अरे ये लो, ये 10 रुपए और लो। ये ठीक, अब क्या रहेगा और बताओ। मेरी कमर में भी बहुत कुछ मचती है। क्या कमर में? साथ में ठीक है, नीचे को ले कुत्ती, नीचे को ले कुत्ती। निकल जा, जा। ये बैंक की यात्रा थी, विदेश की यात्रा नहीं थी। एक बात सुन, अब तो नुबूज मुझे क्यों मारा? क्यों मारा? मैंने इसलिए मारा, तेरा हो रही खुजली, किसी डॉक्टर दिखाई साले, जाके यहाँ के खुजली करेगा गाँव, बच्चा खुजली करेगा यहाँ के, खुजली खुजली की बीमारी फैलाएगा गाँव में, गले साले सिकल बिगाड़ दूंगा। मतलब इसका मतलब मैं खुजली वाला कुत्ता हूँ? खुजली वाले कुत्ते से बुरा साल है, चल निकल जा, जा चला जा, 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 जा
और तेरे खजे को देख लूंगा। मेरा भी नाम अगर वो नहीं ना। हाँ 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 जा 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 बुलाला। ओबे ओबे देख लिया ऐसा ना हो कभी लौंडों को बुला ला और तेरी प्यास से फोड़ जा। ये पैसे भी ले जाएगा उल्टे बेटा। चल बेटा मजदूरी बनी गई अकीरा। चल बेटा कभी ऐसा ना हो आज ताले मुझे रगड़ दे यहाँ ताले रगड़ेगा बहुत बुरा ताले। अरे शेख है क्या? अरे शेख है क्या? ये देख लो बाहर कोई आवाज लगा रहा है और ये ऐसे पढ़े हैं जैसे कब्र में अभी मुर्दा आके पड़ा हो। शेख जी शेख जी। अबे क्यों चिल्ला रही है? अरे शेख है क्या? बाहर कोई आवाज लगा रहा है। अबे वो तो मुझे भी सुनाई दे रही है, मुझे बहरा मान रही है। अच्छा तो तुम लेटे हो आराम से, अगर वो अंदर आ गया तो? अंदर कैसे आ जाएगा, मैंने तो ताला लगा रखा। ताला ही लग रहा, दरवाजा खुला है। तेरे तले खट तले कहाँ तलो बढ़ जाओ। ठीक है ठीक है पकड़ लेगा साला। साला बड़ा बदतमीज है। ठीक है ये सही है, जान है तरकीब जान है साली। कितनी देर हो गई मुझे ये कहते कि शेख साहब हैं या नहीं, कोई आवाज देगा कि नहीं? आप आराम से बैठिए तो सही, शेख साहब है नहीं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अरे ये... कुछ नहीं कुछ नहीं, मच्छर है मच्छर। ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, दूसरों का पैसा हजम करना इतना आसान नहीं है। वादा याद रखना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे भी बोल क्या चक्कर है, ये क्या बार बार काट रहा है? खटमल है, देखिए ये तखत है ना, इसलिए धुम्मे डाल रखा है। खटमल है खटमल है खटमल खटमल। मैं जो कह रहा हूँ याद रखना इस बात को। हाँ हाँ बैठिए सही, खटमल है। और एक बात बताइए, आपके किस बात के पैसे? किस बात के पैसे? किस बात के पैसे? हाँ? उसने तुझे बताया नहीं? दहेज के सामान लाने के लिए पैसे मांगे थे उसने। हाँ मैं कह दूंगी, हाँ मैं कह दूंगी उनसे। क्या है ये? वो मच्छर बहुत हो रहे ना, कह देना उससे। हाँ बिल्कुल कह दूंगी, साले की टांग जख्मी कर दूंगा। और क्या कहता, पैसे को आया था, जब देने बस की नहीं थे तो लेके क्यों आए थे इतने पैसे? हाँ ठीक है सब आ जाएगा साला, अमेठा में दे दूंगा मैं, अमेठा में देना जानता हूँ। और वो लाला भी आने वाला है, आने साले को सब बता दूंगा ड्रामे, उसे भी आके बता दूंगा मेरा नाम शेख चिल्ली है। तो ऐसा कर, भूख लग रही है कुछ खाने के लिए पका ले। क्या पका लूं जब कुछ है ही नहीं? अंडे दे दिए मुर्गी ने, वो दो अंडे और वो भी गंदे। हाँ तो ऐसा कर, दोनों अंडे भी पका ले, गंदे भी बना ले। हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ पकाने। मैं अंडे तो दिखा, विश्वास नहीं हो रहा, ये देखो गंदे हो रहे नहीं हो रहे? उबे उबे ये तो वाकई में गंदे हो रहे। तू ऐसा कर सच्चा, तू तो ये अंडा पका जैसा पकावे और मैं मुर्गी को सफेद करता हूँ आज, अब से ये गंदे अंडे नहीं देगी। मगर मुर्गी है कहाँ साली? वहीं है नीचे ही। वह कहाँ है मुर्गी? अरे तुम्हारे मुड़े के नीचे ही है। मुड़े के नीचे? वह नीचे नहीं है। अरे मुड़ा उठा के देखो, पूरा ड्रामे कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भूल गया था मुड़ा उठाना। यहाँ घुस रही है साली, ठीक है अंडा पका और मैं साली को सफेद कर डालूंगा। गंदी हो रही है साली, गंदी हो रही है, गंदे अंडे दे रही है, बोल रही है। साली उड़क कर रही है। कर रही है साली, बहुत बोल रही है, बोलना आ। अब से भूरे देख रहेगी, साबुन से नहाएगी। अबे सज्जो क्यों चिल्ला रहे हो शेख जी? नुकरिया सज्जो की तरह साबुन से नहीं, शैंपू से नहाएगी। क्या शैंपू? शैंपू तुम्हारे इस मुर्गी के लिए नहीं है, ठीक है ना? मैं तुझे पता नहीं है, मैं गंदी हो रही है मुर्गी को सफेद कर रहा हूँ। शेख जी क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? हाँ सियानी हो रही है सियानी, खाली अंडे। शेख जी मुर्गी मत भिगो मर जाएगी। मैं गंदी हो रही है,
सफेद कर रहा हूँ, अपना काम कर, शिकल को परख ले जा। मैं कह रही हूँ मत भी, मर जाएगी वो। जा तू अपना काम कर, जा अपना काम कर, नहीं साले की शिकल बिगाड़ दूंगा। मुझसे क्या, मरो। अबे जब शिकायत करेगी, गुड़क कर रही है, गुड़क कर रही है साली। हो सफेद, गंदे अंडे दे रही है, गंदे अंडे दे रही साली। हो सफेद, सफेद हो, सफेद कर डालूंगा साली को। ओबे अब क्या करूं, हाँ निचोड़ देता हूँ, जल्दी सूख जाएगी साली। ओबे ओबे तो टांग फला गई, अब क्या करूं। सज्जा मेरी मुर्गी मर गई, सज्जो मेरी मुर्गी मर गई, सज्जो मर गई। मैंने तुमसे पहले कहा था मुर्गी भिगो न मत, नहीं तो मर जाएगी। निचोड़ने से मरी है सज्जो। अल्लाह मैं क्यों करूँ इनको, मैंने तुमसे कहा था आप खाले अंडे कहाँ से खाओगे। हाँ तू ही खाले कहाँ से खाएगी, जा चली जा साले, तुझे भी निचोड़ दूंगा, जा चली जा, चली जा, जा। मेरी मुर्गी मर है, जिंदी रहो। ठीक है मैं जा रही हूँ। अंडे भी खा लेना। अब क्या होगा सच्चो, मुर्गी मर गई। चली अंदर आ जा, दरवाजा खुला हुआ आ जाओ। अब क्या होगा सच्चो, मुझे नहीं मालूम। अरे सबर करो भाई, अरे शेख चिल्ली सबर करो, सबर करो, सबर। कैसे सबर कर लूं लाला जी, अभी तो सच्चो भी रोने वाली है। शेख चिल्ली छोटा, शेख चिल्ली छोड़। अरे शेख चिल्ली सबर करो। लाला जी मैंने सोचा अपनी मुर्गी को धो के बाजार में बेच के तुम्हारे पैसे दे दूंगा, मगर मेरी मुर्गी मर गई, अब तो अगले हफ्ते दूंगा। अरे रो मत, रो मत शेख चिल्ली। अरे लाला जी, अच्छा शेख चिल्ली चलता चलता। लाला जी 500 रुपए और दे देते, उन्हें भी अगले हफ्ते ले लेना। ठीक है रही, ठीक है रही। ओए 500 रुपए, ओए राम का नाम लियो, पहले कभी नहीं दिए, मेरे बस में नहीं, अब मैं चलूँ। धोती चोर छोड़, बात सुनियो, जब तुम किसी का मरे गिरे में काम नहीं आ सकते तो यहाँ का आया था सांड, मेरी मुर्गी मरी पड़ी है और तुम्हें पैसा भी पड़ी है। 500 रुपए दे दे या मत दे, या दिखाई मत दे दे, जल्दी कर जा, निकल जा। चलता हूँ, चलता हूँ, देख लूंगा। लाला जी देखा, लाला जी मेरी मुर्गी मर गई। शेख जी तुम भी, अब भी नाराज हो रही है। ऐसा ठुमका मार दिया, ऐसा ठुमका मार दिया, तेरी दुनिया होगी दीवानी, हाय मस्त जवानी तेरी, मस्त जवानी, हाय मस्त जवानी तेरी, मस्त जवानी। रसीले उम्र तेरी मस्तानी, नारंगी से गाल देख के आ गया मुंह में पानी, नैन कटीले हो रसीले उम्र तेरी मस्तानी,
नारंगी से गाल देख के आ गया मुँह में पानी। सब कर तू कुर्बान मैं तुझ पे बन जा मेरी रानी। मस्त जवानी तेरी मस्त जवानी और मस्त जवानी तेरी मस्त जवानी। तुझे पता सचो साला लारा पैसे लिखो आया। हाँ। चल कैसे ला लेगा ऐसे करके चला ऐसे छोड़ तो पैसे लेके रहूंगा तो छोड़ूंगा ही नहीं। पसीने का पैसा लिया 50,000। मेरे मुंह पर टक्कर मार दे। शेख चली ओए शेख चली, मैं तो तेरे घर पे जा रहा था। मैं आपके क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं आपसे मिलने जा रहा था। हाँ? अच्छा बोल बोल क्यों जा रहा था? हैं लाला जी मुझे ये पूछना कि आप इतने पैसे कहाँ से कमाते हो? ओए शेख चली मेरा दिमाग खराब मत कर। ओए मैं तेरे घर जा रहा था, मुझे पैसे चाहिए बस। तुम तो खामा खा नाराज हो गए। मैं यही तो पूछ रहा था, तरकीब पूछ रहा था मैं पैसे कमाने की। क्यों सचो? हाँ हाँ शेख जी ठीक कह रहे हैं, आप हमें तरकीब बता दोगे तो हम आपके पैसे जल्दी लौटा देंगे। हाँ भाई मुझे क्या पता तुम लोग क्या करोगे। ओए कहीं जाके जूते लगाओ और बटरो पैसे। हाँ जल्दी का पैसे मिल जाएगा लाला जी, कुछ तरकीब बता दे मुझे। तरकीब बता देगा मैं पैसे जल्दी दे दूंगा तुम्हें। ओए चली मैं कुछ नहीं जानता। ओए मैं लाला हूँ, कोई जूते वाला थोड़ी हूँ। हैं जाओ जाओ, शहर में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, किसी को भी पूछ लो। मैं यही से पूछ रहा, पहले बतानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी मुझे। हाँ भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो इतना जानता हूँ कि तेरे से मुझे पैसे लेने हैं और तेरे से मुझे पैसे चाहिए। यही से पूछ रहा हूँ, पहले मुझे तरकीब बताओ। तरकीब बता वरना जाने नहीं दूंगा, वरना पैसे मिलने वाले नहीं है। बड़ा बदतमीज आदमी है, मेरे पैसे क्यों नहीं देगा? अच्छा अच्छा बताता हूँ, शहर में जाके किसी को पूछो जूते की फैक्ट्री कहाँ है। एक जूता लगवाने का 100 रुपए लगेगा। हैं अब मुझे बताओ मेरा पैसा कब मिलेगा, बताओ। एक जूते का 100 रुपए? सच लाला जी? ठीक है कल ले लेना, कल तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। पक्का? पक्का। बनानी बनाना कल मिल जाएंगे, ना मिल जाएंगे, जल्दी कर दे। एक बात बता, इस गेंडे जैसे आदमी को कैसे चलती है तू? बदतमीज गाय का। अच्छा आप तो इतने में जीत गए, और मैं तो ना बचपन से झेलती आ रही हूँ। ये मेरे शेख जी हैं। हाँ मेरे शेख जी हैं। हाँ जल्दी कर जा, अभी अभी दो जब कहती कल ले जी। सज्जो 50 जूतों के कितने लाऊंगा? 5,000 रुपए। शेख जी तुम ऐसे करना 100 लगवाइए ना। हैं चौधरी के लाला जी के दे देंगे थोड़े थोड़े पैसे। थोड़े थोड़े दे देंगे, थोड़े थोड़े खर्चे चला लेंगे। बेटे जल्दी कर जा, ऐसे कर तू तो घर को जा और मैं फैक्ट्री ढूंढता हूँ शहर में। ध्यान से लगवा लो सो जूते। बेटे बाय। टाटा टाटा बाय। टाटा टाटा बाय।